अगर आप एक्सपोर्ट सरप्लस का माल लेना चाहते हैं तो आपको तिरुपुर में कम दाम और अच्छा वाला माल मिलेगा। हीरोज में आपको हर तरह का रुमाल, गमछा और लुंगी, अगर आपको नाइटी चाहिए तो नाइटी मिलेगा, या आपको अंडरगारमेंट्स का हर एक आइटम आपको हीरोज में मैन्युफैक्चरिंग भी मिल जाएगा। चेन्नई में आपको बर्ड्स के पिंजरे और बर्ड्स के एक्सेसरीज बहुत ही कम दाम में मिल जाएंगे, और चेन्नई में आपको कलर फिश और कलर फिश के हर तरह के एक्सेसरीज भी आपको बड़े बड़े होलसेलर मिल जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सब भाइयों को मेरा दिल से सलाम। तो भाई लोग कैसे हो, मैं दुआ करूंगा आप लोग सब अच्छे रहो। तो यार बहुत लोग कमेंट में कह रहे थे कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ सरप्लस का, चल लोग कह रहे थे कि मैं नाइटी का करना चाहता हूँ, चल लोग यार गमछा का करना चाहता हूँ, ऐसे यार मैसेज आते रहते हैं, और चल लोग कह रहे थे कि तमिलनाडु में कौन सा ऐसा मार्केट है जो हम उठाकर बिजनेस कर सकते हैं, कुछ माल उसमें कुछ पैसा लगा सकते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं मुझे। तो उसी के चलते आज मैं एक अच्छी वीडियो लाया हूँ आपके लिए। आज इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि सरप्लस का माल कहाँ लेने पर अच्छा रहेगा, और आपको लुंगी, गमछा, नाइटी होलसेलर कहाँ पे तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कौन सा मार्केट है जहाँ से आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चैनल में जो नए पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, तभी आपको ऐसे मार्केट की दुनिया में मैं लाते रहूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मार्केट की कहानी शुरुआत होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यार बहुत सारे ऐसे ऐसे मार्केट है जहाँ से आप आराम से माल लेके जाके वहाँ पे सेल कर सकते हैं, बहुत कम दाम में मिलेगा आपको इधर। जैसे कि सरप्लस का है, सरप्लस का बोले तो तिरुपुर, यार तिरुपुर के अलावा कहीं आपको सरप्लस का मिलेगा नहीं। अच्छा वाला लेना है तो तिरुपुर ही है, तिरुपुर आके आप सरप्लस का ले सकते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि हीरोड में भी सरप्लस का मिल जाएगा, लेकिन यार हीरोड में सरप्लस का नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरोड में मिलता है नाइटी का बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, रुमाल का है, टॉवल का है, जिसे बोलते हैं गमछा बोलते हैं ना, वो एकदम यार बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा है वहाँ पे, बहुत कम दाम में मिलेगा। बहुत जल्द मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ गमछा के बारे में, रुमाल के बारे में, नाइटी के बारे में भी बहुत जल्द मैं डालूंगा वीडियो, वहाँ से भी आप हीरोड से परचेस कर सकते हो। हीरोड में यार कॉटन का मिलता है, बहुत अच्छा रहता है माल, और दाम भी बहुत बहुत कम होता है। तो अगर आप वो चीज़ करना चाहते हैं बिजनेस, तो आराम से आप हीरोड को भरोसा कर सकते हैं। अगर आप सरप्लस का करना चाहते हैं तो आप ज़रूर तिरुपुर का भरोसा कर सकते हैं, जितना हो सके सामने आके लेने पर। मैं तो कभी भी बोलता हूँ सामने आके लो, तिरुपुर में सरप्लस का मिलेगा। हीरोड में आपको रुमाल, नाइटी, गमछा और अंडरगारमेंट्स, बनियान वगैरह सब कुछ मिलेगा यार। बहुत जल्द मैं वीडियो डालूंगा, बाद में आपको डिटेल से एड्रेस, उनका नंबर, पूरा डिटेल्स आपको देते रहूंगा, तो आप आराम से तमिलनाडु में वहाँ पे ले जाके कर सकते हैं। अभी आई बार यार साड़ी की, कॉटन साड़ी भी मिलती है यार हीरोड में, उसका भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। और बोलते हैं पट्ट पड़वे, जिसको बोलते हैं मुझे तो क्लियर से मालूम नहीं है उसका हिंदी में, बनारस भी हो सकता है शायद, पट्ट पड़वे जो गोल्डन कलर का प्रिंट होता है नीचे डिजाइन बॉर्डर में, वो पट्ट पड़वे बोलते हैं उसको यार। कांजीपुरम में बहुत फेमस है, जो हमारे घर से एक 100 किलोमीटर दूर है, उसका भी बहुत जल्द साड़ी का बनाने वाला हूँ। बनारस की साड़ी यार एकदम मस्त मस्त मिलती है, जैसे दुल्हन पहनते हैं ना बहुत कॉस्टली, वो भी मिल जाएगी आपको यार, उसमें चांदी का बना हुआ, ऐसे ऐसे अलग अलग साड़ी का भी है। अगर आप साड़ी का करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं साड़ी का, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, कांजीपुरम पट्ट बोलते हैं, उसका भी वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे हम जरूर, ठीक है। और एक आता है यार केरला, केरला में यार आपको नारियल का तेल प्योर मिलेगा। अगर कोई नारियल का तेल का बिजनेस करना चाहता है मेरा भाई, प्योर प्योर पूरे इंडिया में प्योर नारियल मिलता है आपको केरला में, उतना अच्छा रहता है यार, वहाँ का तेल बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत अच्छा रहता है, एक थोड़ा मिलावट नहीं रहती है, एकदम डायरेक्टली है वो, जो बॉटल्स वगैरह में मिलावट आती ना वैसा नहीं है यहाँ पे, केरला में होता है, पकाने के लिए भी वो वही यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे एकदम प्योर होता है वहाँ का तेल यार, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। और एक बिजनेस का रूल्स ये है कि जैसे कि आप देखो अभी ये सिटी में मिल रहा है ये माल, यहीं पे बन रहा है, यहीं से लेके सेल करेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हर एक बड़ा आदमी जो बना है आप देखे होंगे बहुत दूर से लेके आके ही बना होगा, जैसे कि बाहर से लेके आया होगा इधर सेल किया होगा, इसी में आके प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ऐसे ही चलते जैसे आप ऑयल का करना चाहते हैं, तेल का, नारियल का, तो अगर आप केरला से उठा के करेंगे आपके आपके यहाँ तो आपको बेहतर रहेगा। जैसे सरप्लस का भी है, तिरुपुर से लेके आप करेंगे उधर तो उधर आप कर सकते हैं, तिरुपुर में ही आके सेल करते तो उतना नहीं होता जितना कि आप बाहर से लेके आए करेंगे तो वैसा होता है। एक एक जगह का एक एक तासीर होती है बोलते हैं ना, जैसे आप नाइटिया करना चाहते हैं यहाँ से उठा के कर सकते हैं, अगर अच्छा चीज गमछा का तो यहाँ से उठा के लेके कर सकते हैं, ऐसा ही करते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक जगह से एक जगह के स्टेट बदलता है तभी यार व्यापार भी अच्छा होता है, कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है। तो तेल का करना चाहते हो आप केरला से उठा सकते हैं, वहाँ पे चिप्स भी है, बनाना का चिप्स, केले का चिप्स, वो भी यार एकदम फेमस है यार, बहुत अच्छा रहता है, वो कर सकते हैं। अभी आता हूँ मैं काजू की ओर, यार काजू बोलते हैं हमें बन रोटी बोल के एक है, वहाँ का भी वीडियो जरूर बनाऊंगा थोड़े आने वाले कल में। बन रोटी में काजू मिलता है, एकदम टॉप माल मिलता है यार,
वहाँ पे अच्छा अच्छा माल मिलता है, बन रोटी का काजू बोलते हैं बहुत फेमस है। यहाँ से आप अगर काजू का करना चाहते हैं बिजनेस तो जरूर आप वहाँ आके विजिट कर सकते हैं। बन रोटी का उसका भी बहुत जल्द मैं आके वीडियो डालूंगा, वो देखना। तमिलनाडु में देख लो क्या क्या है, सरप्लस का माल भी तमिलनाडु में ही है आपको। नारियल का तेल केरला में बाजू है, तमिलनाडु के बाजू में ही। बाद में आता है पट्टू पड़वे साड़ी का, वो भी है, गमछा है, नाइटी है, और क्या है, लेदर का भी एक है इधर, लेकिन उतना खास नहीं दिखा मुझे, क्योंकि कोई बोल रहे थे जयपुर में या कुछ है लेदर का बहुत बड़ा, लेकिन तमिलनाडु में भी आम्बूर बोल के एक लेदर का, उनका वीडियो मैं पहले से बनाया हूँ, थोड़ा मेरे वीडियो चैनल के नीचे जाके देखिए, आम्बूर लेदर का डाला है मैंने। बड़े बड़े लेदर के फैक्ट्रीज है, कम दाम में मिलता है शू, लेकिन वहाँ का कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही लगेगा ये। ऐसा यहाँ पे लेदर का भी है और यहाँ पे नाइटी का है, गमछे का है, रुमाल का है। अगर कुछ भी करना चाहते हैं आप आराम से तमिलनाडु से कर सकते हैं, खाली एक कॉल कर दो मुझे, आपको पूरा गाइडनेस दे दूंगा मैं, आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको। और दोस्तों एक खास बात मैं बोलने ही भूल गया आपको यार, अगर आप पिंजरे का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे पेट शॉप बोलते हैं ना पिंजरे का, वो यार मिलता है आपको चेन्नई में यार, बहुत बड़ा डीलर है वहाँ पे, बहुत सारे डीलर्स है, बोलते हैं कोलतूर, चेन्नई सेंट्रल से आपको सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी है, बोलते हैं कोलतूर, बोलते हैं यार वहाँ पे पिंजरा बहुत कम दाम में मिलता है। इसलिए मिलता है कि चाइना से जो शिप आता है चेन्नई आके ही बाद में मुंबई दिल्ली को जाता है, चेन्नई तक आने का ड्यूटी कम होता है, तो वहाँ पे पिंजरा आपको यार बहुत कम दाम में मिलेगा। अगर हिसाब करेंगे आप 300 का पिंजरा यहाँ मिल रहा है चेन्नई में, वही पिंजरा आपको दिल्ली मुंबई में 500 का मिलता है, आप यकीन नहीं मानोगे। आप चाहो तो चेन्नई के वीडियो पिंजरे के चेक करो और दिल्ली का पिंजरे का भी चेक करो। ऐसा होता है, वो दिल्ली वालों की भी गलती नहीं है इसमें, ड्यूटी के हिसाब से जैसे वो शिप जाती है दिल्ली तक तो पैसा यार ज्यादा हो जाता है, उनकी गलती कुछ नहीं है, दुकानदार की गलती नहीं है। वहां पे जाने पर ड्यूटी बोलते हैं ना, जैसे शिप में जाता है चेन्नई से आता है, चेन्नई को आता है चाइना से, चाइना से आता है शिप में, पहले चेन्नई आके एंट्रेंस हो जाता है, एंट्रेंस होने के बाद यहाँ से ही बाद में दिल्ली मुंबई झारखंड जहां भी ऑल इंडिया जाता है तो यार दाम ज्यादा बढ़ जाता है। सेलर की कोई गलती नहीं है, दिल्ली वालों की या मुंबई वालों की जो पिंजरा बेचते हैं उनकी गलती नहीं है, वहां जाने पर थोड़ा दाम ज्यादा होता है। चेन्नई में यार बहुत चीप एंड बेस्ट में मिलता है यार पिंजरा, वो जो 1 फीट का पिंजरा होता है मिलता है 300 के अंदर मिल जाता है, अगर 2 फीट का लेंगे 750 में है, 650 में भी अच्छा अच्छा क्वालिटी का भी मिल जाएगा आपको जरूर। अगर आप पिंजरे का पेट शॉप का स्टार्ट करना चाहते हैं जरूर चेन्नई विजिट कीजिए, मैं आपको पूरा एड्रेस दे दूंगा यार, सामने आके आप स्टार्ट कर सकते हैं वो वाला बिजनेस। अगर आपको करना है कलर फिश, जो बच्चे लोग देखते हैं कलर फिश बोलते हैं मछली, कलर मछली, तो उसका भी बड़ा बड़ा फार्म है चेन्नई में, जो बोलते हैं कोलतूर, आप इसमें मारो यूट्यूब में कोलतूर, मैंने भी वीडियो बनाया है, पहला वीडियो मेरा वही होगा कोलतूर का। यार वहाँ पे आपको मछली की एक्सेसरी, फिश टैंक पूरा बहुत कम दाम में मिलेगा, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म है, आपको 1 रुपए में कलर फिश मिल जाएगी यार, 1 रुपए में नहीं उससे कम भी मिलेगी बोल नहीं सकते, इतना कम दाम में वहाँ पे मिलता है। अगर आप फिश का स्टार्ट करना चाहते हैं तो चेन्नई आके स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मत करो, पहले सामने आओ देखो अच्छा रहेगा। फिश के एक्सेसरीज भी, एक्वेरियम के या आपको बर्ड्स के एक्सेसरीज चाहिए वो भी पूरा है, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है पहले ही मेरे चैनल में, या आपको नहीं दिख रहा है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे जाइए चेन्नई वाले मार्केट्स बोल के, उसमें पूरा डिटेल दिया है मैंने, वहां से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसा करके यार आप बिजनेस कर सकते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ, 25 को जाने वाला हूँ, जरूर जाके आपके लिए GM ट्रेडर्स का Part 2 वीडियो भी बनाऊंगा, और मेरा जाना है पूरा कवर करना है ईरोड को, ईरोड में जो लुंगी का है, बहुत लोग यार कमेंट में कह रहे थे बार बार लुंगी का डालो, बनियान का डालो और गमछा का डालो, नाइटी का डालो, जरूर मैं आपके लिए जा रहा हूँ ईरोड, जरूर बनाऊंगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक कर देना जरूर इस वीडियो को, ऐसे ही शेयर करना। अगर अपने भाई को कुछ करना चाहते हो यार, मेरे वीडियो जो आ रहा है उसको स्किप मत करना, बस वही बहुत है अपने लिए, बहुत बड़ी बात है, आप स्किप मत करना, जितना हो सके सामने आके लेने की कोशिश करो, ऑनलाइन को भरोसा मत करो मोस्टली। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको ऐसे मार्केट की दुनिया में मैं हिंदी में लाते रहूंगा। तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जय हिंद।